नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ वन वर्ड्स की। वन वर्ड्स आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स। कौन से हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स, चलिए यहाँ पर आज अपन देखते हैं। आज के जो वन वर्ड हैं वो हैं फियर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फियर, फियर या फिर हम कह दें फोबिया। फियर या फोबिया से रिलेटेड आज के वन वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेन को मोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दोस्तों, यहाँ पर फियर या फोबिया की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला है फियर ऑफ बुक्स। फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स आप ढूंढते रहो जब तक आंसर। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी। फियर ऑफ बुक्स क्या होता है? और दूसरा है फियर ऑफ स्पाउस, पत्नी का भय, ये क्या होता है? और फिर है फियर ऑफ फूड, फियर ऑफ फूड ये क्या होता है? और उसके बाद फियर ऑफ डॉग्स ये क्या होता है? और नंबर 5 फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल्स ये क्या होता है? इसके अलावा फियर ऑफ टॉयज, टॉयज और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब निर्जीव चीजों का भय या खिलौनों से भय, ये क्या होता है? नंबर 7 फियर ऑफ आइस, आंखों का भय। इसके अलावा फियर ऑफ स्ट्रेंजर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स अजनबियों का भय। और इसके अलावा 9 नंबर पर है फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स इट मीन्स विदेशियों का भय क्या कहलाएगा? फियर ऑफ फूड, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ टॉयज और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, आइस, स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स। इसके अलावा यहाँ से फिर अपन स्टार्ट करते हैं 10 नंबर, फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी, मृत शरीर का भय क्या कहलाएगा? 11 फियर ऑफ डेथ और मृत्यु का भय क्या कहलाता है? और नंबर 12 फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, हाइट के भय को, ऊंचाई से डर को क्या बोलते हैं? और नंबर 13 फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से भय को क्या बोलते हैं? और नंबर 14 फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, होम सराउंडिंग्स, घर के चारों ओर की वस्तुओं का भय क्या कहलाता है? नंबर 15 नंबर 15 है फियर ऑफ, और क्या आ गया? डॉग्स भी आ गया, फियर ऑफ आइज भी हो गया, वन सेल्फ हो गया, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर क्या होता है? नंबर 16 फियर ऑफ फायर या फायर वर्क्स क्या होगा? फायर या फायर वर्क्स, आग या पटाखों से डर लगना। और नंबर 17 नंबर 17 है फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुले स्थान से भय लगना, ये क्या होता है? और नंबर 18 फियर ऑफ स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, छोटे बंद स्थान से भय क्या कहलाता है? और नंबर 9 फियर ऑफ फायर हो गया, वाटर हो गया, फियर ऑफ स्नैक्स क्या होगा? फियर ऑफ स्नैक्स, सांपों का भय जो है वो क्या कहलाएगा? और नंबर 20 बुक्स हो गया, वाटर हो गया, फॉरेनर हो गया,
वन सेल्फ हो गया, फियर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या रह गया, फियर ऑफ ओपन स्पेस भी हो गया, स्मॉल प्लेस भी हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तो होना चाहिए दोस्तों। स्नेक्स भी हो गया, और फियर ऑफ स्मॉल क्लोज प्लेस हो गया, फियर ऑफ फॉरेनर्स भी हो गया, स्ट्रेंजर्स भी हो गया। चलो इतनों के आंसर देख लेते हैं एक बार, इतनों के आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इनके आंसर की। फियर ऑफ बुक्स की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है बिब्लियोफोबिया। क्या होता है ये? बिब्लियोफोबिया, पुस्तकों से भय। फियर ऑफ स्पाउस यानी कि पत्नी का भय, ये होता है गेमोफोबिया। गेमोफोबिया होता है पत्नी का भय, गेमोफोबिया याद रखना, आगे तुम्हारे को काम आएगा गेमोफोबिया। और उसके बाद है फियर ऑफ फूड, ये क्या होता है? ये होता है सिबोफोबिया। क्या होता है? सिबोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स क्या होता है? ये होता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। फियर ऑफ एनिमल्स क्या होता है? जंतुओं का, एनिमल का जो डर है उसको बोलते हैं जू फोबिया। इसको क्या बोलते हैं? जू फोबिया। और फियर ऑफ टॉयज और इनएनिमेट थिंग्स, इसको बोलते हैं पेडियोफोबिया। क्या बोलेंगे इसको? पेडियोफोबिया, ये होता है पेडियोफोबिया। और फियर ऑफ आइज होता है ओमेटाफोबिया। ओमेटा, मेटा, ओमेटाफोबिया, और इसको ओमेटोफोबिया कह दें तो भी गलत नहीं है। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, इसको बोलते हैं जीनोफोबिया। जीनोफोबिया, और इसको हम जीरोफोबिया भी कह सकते हैं, जीरोफोबिया ये भी कह सकते हैं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फियर ऑफ फॉरेनर्स का सेम ही है, ये दोनों इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स जीनोफोबिया भी होता है और जीरोफोबिया भी होता है, और फियर ऑफ फॉरेनर्स भी, ये दोनों होता है। फियर ऑफ डेड बॉडी की बात करें तो ये होता है नेक्रोफोबिया। क्या होता है? नेक्रोफोबिया। और फियर ऑफ डेथ की बात करें तो ये क्या होता है? थेनेटोफोबिया। क्या होता है ये? थेनेटोफोबिया। थेनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ हाइट क्या होता है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया भी कहते हैं इसको, और एरोफोबिया भी कहते हैं, AEROPHOBIA, एरोफोबिया। फियर ऑफ वन सेल्फ क्या होता है? ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया ये होता है, ऑटोफोबिया। फियर ऑफ होम सराउंडिंग, ये क्या होता है? ये होता है इकोफोबिया। इसको बोलते हैं इकोफोबिया। फियर ऑफ वाटर क्या होता है? फियर ऑफ वाटर होता है हाइड्रोफोबिया। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ फायरवर्क्स क्या होता है? पाइरोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको? पाइरोफोबिया। फियर ऑफ ओपन स्पेस क्या होता है? ये होता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया। और फियर ऑफ स्मॉल क्लोज प्लेस क्या होता है? इसको बोलते हैं दोस्तों क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA। फियर ऑफ स्नेक्स क्या होता है? ये होता है ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया भी होता है, और ओफिडियोफोबिया भी बोलते हैं इसको। ओफिडियोफोबिया, ये दोनों ही इसके होते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में ये वन वर्ड थे, ये सारे क्या थे? वन वर्ड, और ये सारे फोबिया या फियर से रिलेटेड थे। तो कल की क्लास में फिर हम इसी तरह के किसी ना किसी एक टॉपिक पर वन वर्ड पढ़ेंगे, और इस तरह से कैटेगरी वाइज वन वर्ड पढ़ना जो है ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।